नमस्कार भाई लोग, तो स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। और आज के वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं एरी एलेक्सा और रेड के बीच में कुछ मेजर डिफरेंसेस। वैसे इंडिया में बहुत कम लोग जो है सो एरी एलेक्सा और रेड में से कोई एक कैमरा खरीदने का सोचेंगे, लेकिन अगर आप फिर भी इन्फॉर्मेशन के लिए आपको बता देंगे ये सब के बारे में अगर आप शौकीन हैं। तो सबसे पहली बात कि रेड जो है वो स्पेसिफिकेशन में हर एक चीज़ में एरी एलेक्सा से आगे है, एरी एलेक्सा पीछे है। रेड जो है सो 8K तक जो है सो रिजोल्यूशन सपोर्ट करता है, मतलब प्रोड्यूस कर सकता है वो भी रॉ में, लेकिन उसके बाद बताएंगे आगे कि किस रॉ में। और एरी एलेक्सा रॉ में सपोर्ट, रॉ में जो है सो इमेज प्रोड्यूस करता है लेकिन 8K तक नहीं करता है, उससे नीचे है। प्राइस के मामले में एरी एलेक्सा बहुत ज़्यादा महंगा है रेड से, तो इसका रीज़न भी ये बता देते हैं आपको। एरी एलेक्सा बहुत दिनों से सेम सेंसर यूज़ कर रहा है, जबकि रेड जो है सो अपना सेंसर बदलते रहता है टाइम के साथ। तो हम आपको बताएं ना कि रेड जो है, रेड स्पेसिफिकेशन में एरी एलेक्सा से आगे है, लेकिन फिर भी एरी एलेक्सा जो है सो ऑस्कर विनिंग मूवीज़ में इसलिए है क्योंकि एरी एलेक्सा का जो है एक चीज़ बहुत बढ़िया है, वो ये है कि वो रॉ प्रोड्यूस करता है इमेज, रॉ में वीडियो प्रोड्यूस करता है, लेकिन अनकम्प्रेस्ड रॉ में प्रोड्यूस करता है। कहने का मतलब जो है सो सोनी या एरी एलेक्सा हो गया, ये दोनों कंपनी अनकम्प्रेस्ड रॉ में जो है सो इमेज प्रोड्यूस करता है। रेड हो गया या फिर ब्लैक मैजिक डिजाइन हो गया, ब्लैक मैजिक का जो कैमरा आता है वो हो गया, वो दोनों जो है सो कंप्रेस्ड जो है सो फॉर्मेट में, जो है कंप्रेस्ड रॉ में जो है सो वीडियो प्रोड्यूस करता है। तो अनकम्प्रेस्ड रॉ में वीडियो प्रोड्यूस करने की वजह से एरी और जो है सोनी के कैमरास से जो अगर आप वीडियो कैप्चर कीजिएगा तो उसमें ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगा, आप जो है सो इमेज के साथ यानी वीडियो के साथ जो है सो ज़्यादा छेड़छाड़ कर पाइएगा, और इसीलिए। और दूसरा बात है कि एरी एलेक्सा का पता नहीं क्यों महंगा है, और इसीलिए वो जो है सो इमेज बहुत ही ज़बरदस्त प्रोड्यूस करता है। उसका डायनेमिक रेंज जो है सो रेड से बहुत ही ज़्यादा आगे है, पता नहीं क्यों रेड का डायनेमिक रेंज उतना नहीं है जितना एरी का है। जब आप एरी और रेड से कंपेयर, मतलब दोनों से वीडियो रिकॉर्ड कीजिएगा तो आपको लगेगा कि हाँ बाई जो है सो नेचुरली जो है सो एरी एलेक्सा जो है सो सिनेमैटिक वीडियो प्रोड्यूस करता है, उसके मुकाबले में रेड के मुकाबले में एरी जो है बहुत ज़्यादा बढ़िया इमेज प्रोड्यूस करता है, यानी कि वीडियो प्रोड्यूस करता है जो भी कह लीजिए। और जो है यही सब जो है सो कुछ मेजर डिफरेंस था इस दोनों के बीच में, एरी और रेड के बीच में। और कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, दोनों ही कैमरा महंगा है, एरी एलेक्सा थोड़ा ज़्यादा महंगा है, रेड थोड़ा कम महंगा है, ठीक है। अगर आप ख़रीदना चाहते हैं तो रेड भी खरीद सकते हैं एरी, अगर आपका ज़्यादा बजट है तो हम ऑफकोर्स कहेंगे एरी खरीदिए, और अगर आपका कम बजट है तो ऑफकोर्स जो है सो आप रेड खरीदिए, क्योंकि रेड भी बहुत बढ़िया कैमरा 8K में प्रोड्यूस करता है। और दूसरा एक और जो इम्पोर्टेंट बात आता है, वो रेड के साथ प्रॉब्लम है, प्रॉब्लमेटिक बात है कि रेड जो है सो बेसिकली सिर्फ और सिर्फ नहीं, मतलब वो जो है सो बहुत ही उसके बारे में कंप्लेन आता है कि वो जो है सो ख़राब हो जाता है, चलते चलते वॉक करना बंद कर देता है, उसका मिनी मैग जो आता है स्टोरेज वाला डिवाइस, वो बेसिकली नॉर्मल SSD है लेकिन उसी को बढ़ा चढ़ा के जो है सो वो लोग बेच रहा है, इसका कंप्लेंट भी बहुत आया है। उसके बाद एरी के मामले में कुछ कंप्लेंट्स ये है कि मतलब उसका स्क्रीन साइज छोटा है, तो एक्चुअली में आप जब रिकॉर्डिंग कर रहे होंगे तब जो इमेज प्रोड्यूस होगा, आप अगर उसको कंप्यूटर पर लेके जाइएगा तो बिल्कुल ही अलग इमेज लगेगा, और थोड़ा सा आप असंतुष्ट हो जाइएगा कि यार क्या जो है सो मतलब करना चाह रहे थे और क्या हो गया। तो यही मेजर डिफरेंस था, और कुछ नहीं जो है सो रेड बहुत ज़्यादा ख़राब होता है, यही बात बताना चाहते थे। और एरी के मामले में अभी तक कोई कंप्लेंट नहीं आया है, तो उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आ गया होगा। अगर पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसे ही वीडियो फ्यूचर में भी देखने के लिए, और हमारे वीडियो को लाइक कर लें ताकि हमें बढ़ावा मिले। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।